लंदन फुल फैमिली जाने का है तो पासपोर्ट सबका ही देना पड़ेगा ना। नो मिस्टर जेठालाल, लंदन सिर्फ आपको जाना है। यू आर राइट मिस्टर जेठालाल, इसमें फैमिली लिखा हुआ है तो? लेकिन इसमें फैमिली का मतलब है बिजनेस फैमिली। ये स्कीम सिर्फ आप डीलर्स के लिए है। ए, देखो जीजा जी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरी शॉपिंग मैं ही करवा दूंगा। मैंने खुद पढ़ा है जेठालाल, उसमें साफ लिखा हुआ था कि ये टूर पूरी फैमिली के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। वही वो आए थे, वो बोला कि वो गलती से ऐसा लिखा है, फैमिली मतलब वो बिजनेस फैमिली। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना जेठालाल, नहीं बताओगे तो बात और बिगड़ेगी। लेकिन बताऊंगा तो उन सबका मूड ऑफ हो जाएगा। सोच रहा हूँ रक्षाबंधन के बाद बताऊँ तो। हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक है। ये देखिए, ये राखी ली है, कल रक्षाबंधन है ना, तो मेरे वीरा ने खुद पसंद की है, चांदी की है। क्या भी ये देखिए, ये आ गई आ गई। एल्जेबेले ये रानी, इधर इधर दया, आ गई हूँ परिवार के साथ लंदन घूमने के लिए। बोलो, ये तो नींद में लंदन भी पहुंच गई, बस ये कल रक्षाबंधन का त्योहार निकल जाए, फिर सबको सच सच बता दूंगा। जो लंदन रे કેટલું સરસ છે, मेरे को निभाना है राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे को ना रुलाना है। लो मिठाई। बहना, आज रक्षाबंधन है, आज बहन का दिन है, आज तुझे जो मांगना है वो मांग ले, आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, मांग मांग मांगे थे आप। अरे नहीं नहीं वीरा, तूने इतना कुछ दिया है वो क्या कम है? क्या दिया है? अरे ढेर सारा प्यार। वीरा, मैं तो माता जी को रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। माता जी से प्रार्थना है मेरी, बहन मेरी हमेशा हमेशा हंसती रहे। बहन मेरी हमेशा हमेशा हंसती रहे। बहन मेरी हमेशा हमेशा हंसती रहे। दुख उसके आंगन में आके सुख में बदल जाए, गम उसे देखकर खुशी में बदल जाए। अरे सलामत रहे जीजाजी मेरे, सलामत रहे जीजाजी मेरे, अरे मेरी उम्र भी उनको लग जाए। अरे देखा देखा, मेरे वीरा ने अपनी उम्र आपको दे दी, कितना उदार है। उदार नहीं, उदार है। अरे मामा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो दो मम्मी को। अरे वो लाने के लिए तो मैंने अब्दुल को बोला था, जरा देखना अब्दुल आया कि नहीं। सुंदर भाई आ गया, आ गया। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये लो बेना,
ये प्यार भरा गिफ्ट। अरे वीरा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बेना, आज के दिन खर्चा नहीं देखा जाता है, सिर्फ भाई का प्यार देखा जाता है। ले लो। अरे बेना, खोलो तो सही। अरे अच्छा। नहीं देखो बेना, ये यहाँ से खुलता है। अच्छा। अरे अरे वाह, ये तो छाता है। अरे बेना, उसके ऊपर पढ़ो तो सही क्या लिखा है। मेरा भारत महान। अरे वाह वाह। बेना, ये छाता लेकर जब तुम लंदन की सड़कों पे घूमोगी ना, तो मेरा सीना खुशी से तन जाएगा। इस पगले को क्या पता, ये छाता लंदन में नहीं सिर्फ भारत में खुलेगा। थैंक यू वीरा। दया भाभी, जेठा भाई, हम आए। अरे आइए आइए, अंजलि भाभी आइए आइए। अरे रोशन भाभी आओ। ओहो कोमल भाभी, भीड़े बहन आइए आइए। अरे बबीता जी नहीं आए? अरे दया बहन, बबीता तो अय्यर भाई के साथ बाहर गई है। अरे माधवी बेटा, वो तुम्हारा भाई चिपलून से आने वाला था, आ गया कि नहीं? इस बार उसे छुट्टी नहीं मिली चाचा जी, तो मैंने राखी पोस्ट कर दी है। चलो अच्छा है, वरना आजकल तो लोग वो क्या बोलते हैं, मोबाइल से ही राखी भेज देते हैं। अच्छा अच्छा, अब हम सब जेठा भाई को राखी बांध देते हैं। चलो नहीं चलो। टप्पू के पापा, अब जरा आप वो यहाँ सोफे पर बैठ जाइए, सब लोग राखी बांध लेंगे। और अब्दुल, तू क्यों खड़ा है? चलो तू भी बैठ जाओ। दया भाभी, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। अरे अब्दुल भाई, हमें गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस हम बहनों को अच्छी दुआएं दीजिए। राइट, चलो चलो बैठो बैठो, आइए चलिए। अरे अब्दुल, तुम्हारी आंख में आंसू? खुशी के आंसू नहीं, आप लोग का प्यार अपनापन देखकर आंखें भर आई है। या अल्लाह, मेरे बहनों के घर में हमेशा खुशी बरकरार रखना। एक मिनट जेठा भाई, आज आप हमको कुछ मत दीजिएगा, आज तो हम लोग आपको कुछ देने वाले हैं। हाँ। ये लो माधवी भाभी, दे दो उनको, आज हम चारों बहनों आपको दे रही है कुछ। अरे ये क्या कर रहे हैं माधवी भाभी? अरे आपको नहीं, कवर तो मुझे देने का होता है। हाँ। अरे जेठा भाई, ये पैसों का कवर नहीं है, हमें जो जो चीजें लंदन से मंगवानी है ना, उसकी लिस्ट है। और जेठा भाई, आपको हमारी मंगवाई हुई सारी चीजें लानी ही पड़ेगी। प्लीज। और दया भाभी, अगर जेठा भाई भूल जाए तो आप याद दिला देना। अरे अनली भाभी, आप चिंता मत करो, अगर जीजा जी भूल भी गए ना, तो मैं उनको फोन करके याद करा दूंगा। ए भाई, ए बबूचक, ऐसे पुतले की तरह खड़ा क्या है? अरे आज के दिन बहनों को ना नहीं बोलते, चल हाँ बोल।
इस बार की रक्षाबंधन मुझे हमेशा याद रहेगी। सभी भाइयों ने एक से बढ़कर एक गिफ्ट दी है और वो भी लंदन में काम आए वैसी। अच्छा? आओ देखे ना, ये पोपट भाई ने बैग दी है और ये हाथी भाई ने थर्मोश दिया है, खास थर्मोश। ऐसा क्या खास है इसमें? अरे बाबूजी, एकदम खास थर्मोस है, ये तो टू इन वन है। इसमें ठंडी चीज डालो ना तो वो ठंडी ही रहती है और गर्म चीज डालो ना तो वो गर्म ही रहती है। हाँ। अरे वाह, तो लंदन जाते वक्त मैं बापूजी के लिए इसमें गर्मा गर्म चाय और टप्पू के पापा के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी भर लूंगी। बेना, ऐसा नहीं होता है, एक टाइम पे एक ही चीज डाली जाती है इसमें। अच्छा, तो हम एक और थर्मस खरीद लेंगे और लंदन में दो थर्मस लेके जाएंगे। तब तो लंदन में बड़ा परिवार का व्हाट पड़ेगा, व्हाट। क्या कहते हैं टप्पू के पापा? अरे मम्मी, व्हाट तो टप्पू का पड़ गया है। मेरे सारे दोस्तों में से किसी के पापा उन्हें लंदन लेके ही नहीं गए, सिर्फ मेरे पापा मुझे लंदन लेके जा रहे हैं। क्यों पापा? पापा, हम लंदन से बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदेंगे और टप्पू अपने दोस्तों को सारी चॉकलेट गिफ्ट में दे देगा। क्यों पापा? पापा, लंदन में बहुत मजा आएगा ना? जीजाजी, आपने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा काम किया है। ये मेरी बहना गुजरात मेल के सिवा कोई बेटी ही नहीं थी और आप उसे डायरेक्ट प्लेन में उड़ा रहे हो। अरे मैं तो सबको बोलूंगा कि जीजाजी वो तो ऐसा। ये बात तूने एकदम सही कही है सुंदर जेठिया, इस बात के लिए तो मुझे तुझ पर गर्व है। अरे भाई, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन तू मुझे लंदन लेके जा रहा है। सच कहूँ तू तो मेरा श्रवण है, श्रवण। नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। अरे तो कैसी बात है? मतलब ये तो मेरा फर्ज है। हाँ। पापा, हम लंदन कब जा रहे हैं, बोलो ना। अरे बेटा, तुम्हारे पापा टिकट लेकर आए ना, उसी दिन हम लंदन जाने के लिए फुर्र हो जाएंगे। मम्मी, मेरी वीडियो गेम ले लेना। अरे क्या माय डियर टप्पू, अभी तू लंदन जा रहा है तो यहाँ से थोड़ी वीडियो गेम लेके जाएगा। अरे वहाँ तो एक से बढ़कर एक वीडियो गेम मिलती है। अरे ये जीजाजी को बोल के 10-15 वीडियो गेम खरीद ही लेना। सही कहा। अरे हाँ बहू, मैंने सुना है लंदन में बहुत ठंड होती है। हाँ। एक काम करना, मेरी कान टोपी जरूर ले लेना। जी बापू जी, मैं सब ले लूंगी, आप चिंता मत करना। और टप्पू बेटा, अरे अरे आप लोग क्यों? अरे 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 सुन तो। कितने खुश है ये लोग। अरे भगवान, तू ऐसा क्यों करता है? क्यों सपने दिखा के तोड़ता है? अरे दुख देना है तो मुझे दे, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वैसे तो मैंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मैं अपना जिगर कठिन करके दुख सहन कर लूंगा। जब इनको पता चलेगा कि हम में से कोई लंदन नहीं जा रहा है तो क्या बीतेगी इन पर, कभी सोचा है तुमने?
अभी मुझे तो बताओ प्रभु कि मैं इनको सच कैसे बताऊं। लंदन सिर्फ आपको जाना है, ये स्कीम सिर्फ आप डीलर्स के लिए है। मम्मी जल्दी थेपला। कमिंग कमिंग थेपला। यस टप्पू यस। जी जी तुम्हारा हॉट हॉट थेपला। अरे लंदन जाने के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेना इतना भी इंग्लिश मत सीख लेना, नहीं तो लंदन से आने के बाद गुजराती भूल जाओगी। अरे नहीं नहीं वीरा, वो लंदन के लिए ही प्रैक्टिस। दया अभी ये लंदन पुराण बंद करो अभी। वेयर है बेना? पूछ रही है कि पुराण क्यों बंद करे? व्हाई बेना? वेयर नहीं, व्हाई। अच्छा व्हाई? व्हाई। थैंक यू भाई। अरे जेठिया, अरे जेठिया, अरे भाई, दुकान जाते जाते टप्पू की स्कूल होते जाना। क्यों बाबूजी? अरे क्यों क्या, हम लोग लंदन जा रहे हैं तो टप्पू की स्कूल में बताना तो पड़ेगा ना, वरना उसे छुट्टी कैसे मिलेगी। वैसे बाबूजी अभी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है बम फोड़ने का वक्त आ गया है। बाबूजी देखो ऐसा तो जीवन में होते ही रहता है, कभी तड़का कभी छाइड़ा, मतलब कभी धूप कभी छांव, कभी सुख कभी दुख। सृष्टि का यही नियम है, तो हमें किसी भी चीज से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। माता जी, कहीं आप संन्यास लेने का तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं। तो कोई गया? नहीं बापूजी, अभी मरने वाला तो मैं हूँ। नहीं बापूजी, लेकिन बात दरअसल ये है कि लोग लंदन नहीं जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जहां ट्रेजेडी होती है वहीं से कॉमेडी निकलती है, और मेरे दोस्त जेठालाल तो है ही ट्रेजेडी किंग, यानी कि इतनी कॉमेडी उनकी जिंदगी में होती है कि पूछिए मत। लेकिन इस बार बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लंदन नहीं जा रहे हैं। सारे के सारे लोग कितने सपने बांध लिए थे, कितने मंसूबे, कितनी कल्पनाएं कर ली थी, लेकिन अब फैसला हो गया कि लंदन नहीं जा रहे। जिंदगी में कैसा होता है ना, जब आप किसी चीज की कल्पना कर लेते हैं कि हम ये करने वाले और अचानक कोई झटका लगता है, लेकिन यही तो जिंदगी है। इसलिए मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहता हूँ कि तैयारियां सर्वश्रेष्ठ के लिए कीजिए, लेकिन कुछ भी खराब हो सकता है उसके लिए तैयार रहिए, और अगर कुछ खराब हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए, तो जिंदगी में झटके इतने जोर से नहीं लगेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे गड़ा परिवार के अंदर ये जो झटका लगा है लंदन नहीं जाने का, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं
आपके लिए तो एक ही परिणाम है, आपको तो हंसना है, ठहाके लगाने, और हमारे लिए तालियां बजानी है और कहना है कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।